आदिवासी भाई बहनों की लड़ाई सड़कों पर लड़ी, उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ी, लगातार जिस तरह रोजगार के मुद्दे पर इस सरकार का चेहरा पूरे उत्तर प्रदेश और देश के सामने उजागर करने का काम कर रही है, बेरोजगारों की समस्या उठा रही है, पिछले समयों में सीए एनआरसी के खिलाफ जिस तरह सड़कों पर उतरकर उन्होंने सरकार के संविधान विरोधी गतिविधियों के खिलाफ लड़ने का काम किया, सहारनपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर में जाकर जिस तरह जिन लोगों के ऊपर दमन हुआ था उनके साथ खड़ी होकर आवाज बुलंद करने का काम किया, निश्चित रूप से ये सरकार बौखलाई हुई सरकार, डरी हुई सरकार उनके बंगले के खिलाफ नोटिस देने का काम की है। हम कहना चाहते हैं किसके किसके दिल से निकालोगे, पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के दिलों में, पूरे देश के महिलाओं के दिलों में, पूरे देश के गरीब मजलूम दलित पिछड़ों के दिलों में प्रियंका जी राज करती हैं। 5:30 बजे शाम को यह टोल टैक्स की नसीब इस बात की गवाह है, पेटीएम से पैसा किया जाता है और वो दिल्ली से लखनऊ के रास्ते में होते हैं, फिर वो उस मामले में मुकदमा के दोषी कहां पाए जाते हैं। श्री मनोज यादव जो हमारे महासचिव हैं, वो हम लोगों के साथ गिरफ्तारी में इको गार्डन में रहते हैं और इको गार्डन में वो वहां पर मुचलके पर 51 नंबर नाम अंकित है, मुचलके पर छोड़े जाते हैं तो उस महामारी में कहां शामिल होते हैं। अनूप गुप्ता जिसके ऊपर मुकदमा दायर हुआ है वो दिनभर पीसीसी के अंदर उसी कमरे में बैठे होते हैं, सीसीटीवी फुटेज कैमरा में पूरी तरह उनकी तस्वीर है, उसके बाद महामारी में वो कहां पाए जाते हैं। निश्चित रूप से जो यह मुकदमा 3:11 पर दर्शाया गया है सरकार की मानसिकता को उजागर करता है।